डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पर स्वागत है। हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिवर इंजीनियरिंग, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम कन्वेंशनल राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ESE एंड गेट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेट AJEE लेवल एग्जामिनेशन। SSC JEE वगैरह में इन सब टॉपिक से उतना नहीं पूछते, लेकिन अदर एग्जामिनेशन में आपसे पूछते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिवर इंजीनियरिंग में बेसिकली हमें दो पार्ट पढ़नी है। अब वो दो पार्ट क्या है? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, जिसको हम आर टी वर्क भी शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन वर्क RBP वर्क, इसको हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, दो अलग अलग कैटेगरी में। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर आते हैं कुछ, रिवर बैंक प्रोटेक्शन के अंदर आते हैं कुछ। हमें इन्हें स्टडी करना है ना। तो हम एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू लेंगे, आपको बहुत डिटेल में सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस पढ़ते चलिए। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। तो हेडिंग डालिए रिवर ट्रेनिंग वर्क। सो व्हाट इज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स? देखिए, समझिए, सुनिए, कंसंट्रेट करिए। एक जो नदी होती है ना, वो बहुत लंबी नदी होती है, 500,000 किलोमीटर की नदी होती है। तो ये पूरे के पूरे नदी में सबसे पहला सवाल तो ये है, क्या हम रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं? तो ऐसा है कि ये सही बात नहीं है। हम पूरे के पूरे नदी में नहीं करते हैं, हम उन लोकेशंस पे करते हैं जहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है। सम पार्ट ऑफ अलाइनमेंट, मान लो यहाँ से यहाँ तक कर दिया, यहाँ पे हमको करने की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर पार्ट में कर दिया, इधर कर दिया, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, इन सम पार्ट ऑफ अलाइनमेंट वी डू रिवर ट्रेनिंग वर्क। समझ गए? अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस रिवर ट्रेनिंग वर्क्स? देखिए, रिवर के बैंक्स जो होते हैं, मतलब ये इस तरह का अगर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो रिवर का ये बैंक होता है। नेचुरल रिवर के बारे में इमेजिन करिए, तो जब फ्लो आएगी, जब बाढ़ वाड़ आएगी, तो बैंक इरोजन होता है ना। तो इसके बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका स्लोप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना होगा, ताकि इरोजन वगैरह नहीं हो, एक डेफिनाइट क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लो आपको मिले, है ना। सिमिलरली रिवर के बेड से स्कॉरिंग वगैरह होगा, तो रिवर के बेड को स्टेबलाइज करना, समझ गए, ये भी जरूरत है। मतलब पूरा का क्रॉस सेक्शन को स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है रिवर की हमें। फिर रिवर का डेप्थ कंट्रोल का हमको जरूरत पड़ सकता है। मान लो फॉर नेविगेशन पर्पज हमको रिवर को यूज करना है, तो जिस लोकेशन पे रिवर में डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं है, वहां पे हमें रिवर ट्रेनिंग वर्क करनी होगी, ताकि वहां पे डेप्थ ऑफ फ्लो, एक प्रॉपर डेप्थ ऑफ फ्लो को मेंटेन किया जा सके। जैसे कि फॉर इनलैंड नेविगेशन, आपको मालूम है इंडिया का सबसे पहला इनलैंड नेविगेशन कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया, वेस्ट बंगाल, है ना। ये आपका इंडिया का सबसे पहला इनलैंड नेविगेशन सिस्टम है। आप ये GK का क्वेश्चन हो गया, GK में पूछते रहते हैं। तो मान लो रिवर के अंदर ज़्यादा फ्लड आ रहा है, तो कहीं पे ऐसा पार्ट है, कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन है जहाँ से वो ज़्यादा फ्लड एक्सेस वाटर सेफली वहाँ से पास नहीं कर पाएगी, तो ऐसे लोकेशन पे हमें कुछ स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट करने होंगे, है ना। रिवर को ऐसे कुछ इस तरह से ट्रेन करना होगा कि उस पर्टिकुलर लोकेशन से जो एक्सेस सरप्लस डिस्चार्ज है सेफली पास कर जाए, समझ गए। अब देखिए, रिवर्स के ऊपर ही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बना हुआ रहता है, तो ऐसा ना हो कि जो भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हम रिवर के ऊपर बनाए, रिवर में इतना ज़्यादा फोर्स वगैरह आ गया, पानी वगैरह के कारण, कि वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दे। इसलिए हमें प्रॉपरली रिवर को ट्रेन करना होगा, ताकि वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहे और फोर्सेस वगैरह सब कुछ कंट्रोल्ड में रहे। तो दीज आर दी पार्ट्स, दीज आर दी वर्क्स विच वी डू ऑन रिवर, है ना, टू ट्रेन इट, उसको तैयार करना फॉर आवर पर्पस, इज कॉल्ड एज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। ऐसे बहुत सारे वर्क्स होते हैं, अगर आपको दिखाऊं, जैसे कि देखिए, ये देखिए, यहाँ पे पहला वाला फोटो देख पा रहे हैं, ये हल्दिया का है, ठीक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए बैंक प्रोटेक्शन किया गया है ना, दिस इज एग्जांपल ऑफ बैंक प्रोटेक्शन, समझ रहे हैं? तो कितने अच्छे से स्लोप मेंटेन किया गया है। तो देखिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन में आपको दिख रही होगी, फिर इधर से आगे आपको नहीं दिख रही होगी, मतलब जहां पर जरूरत नहीं है वहां हम नहीं करते, जहां हमें लगती है रिक्वायरमेंट कि यहाँ करनी पड़ेगी वहां हम करेंगे।
ये सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ पर जरूरत पड़ेगी कहाँ पर नहीं पड़ेगी, आप सब समझ में आएगा आपको, है ना। टेंशन वाली बात नहीं है, बस एक कंसेप्ट के साथ हम बिल्डअप करते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पे ये सेकंड तरह का फोटो देखिए, ये तो कॉमन्स है ना। ये इस तरह का आपको जो आपका ये छोटे छोटे नदी है ना, ये एक छोटा स्ट्रीम है, ये तो गंगा नदी है, बहुत बड़ा नदी है। लेकिन पहला वाला है ना, ये हल्दिया का, दूसरा वाला ये तो कोई नेचुरल स्ट्रीम है। ये मेरे शहर में भी जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर भी इस तरह का बैंक प्रोटेक्शन किया गया है। ओके, अभी इस तरह का क्यों किया गया है? इस तरह का एक्चुअली इसलिए किया गया होगा, इसके जस्ट ऊपर जो जमीन होगी ना उसके ऊपर रोड गई होगी। देखो ये हाईवे के बहुत करीब करीब होगा ये नदी, समझो बात को, है ना। तो अगर स्कॉरिंग होते चलेगी, मान लो मिट्टी की यहाँ से, अगर आपने बैंक प्रोटेक्शन नहीं किया होता, जब इसमें नेचुरली हाई डिस्चार्ज आती है फ्लड वगैरह का, ओके, तो ये फ्लड के डिस्चार्ज को सेफली पास करने के लिए है। अगर मान लो ये नहीं करते तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता था कि इसका पानी जो है वो रोड तक आ जाए, ये हो सकता था। दूसरी बात क्या हो सकती थी, या फिर इरोजन करते 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 मिट्टी सारा निकाल लेगा, तो जिस मिट्टी पे आपने रोड बनाया है उसके नीचे का भी मिट्टी अगर हट जाएगा तो रोड आपका ढह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रोटेक्शन वर्क हमको करने होते हैं। दिस आर दी रिवर ट्रेनिंग वर्क। सो अगर मैं बेसिकली कहूँ तो रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या होता है? इट इज ए मोड, इट इज ए सिस्टम, दिस आर दी वर्क विच आर यूज टू स्टेबलाइज द रिवर, रिवर को स्टेबलाइज करना। अब पूरे रिवर को नहीं, रिवर के किसी एक अलाइंजमेंट में, है ना, और कुछ क्रॉस सेक्शंस में हम उसे अगर स्टेबलाइज करते हैं, तो उस स्टेबलाइजेशन के लिए जो वर्क्स हम करते हैं दोज वर्क्स आर कॉल्ड एज रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। इसमें बहुत तरह के वर्क्स आ जाते हैं, जैसे डेप्थ को इंक्रीज करना, ठीक है, फॉर इनलैंड नेविगेशन पर्पस। फिर बेड को, जो रिवर का बेड है, इस रिवर का अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं ऐसा, ठीक है, तो मैं बोला जैसे बेड से इरोजन वगैरह हो सकता है, तो बेड को भी हमें स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है इस क्रॉस सेक्शन को। तो यहाँ पे हम भी जैसे यहाँ पे ऊपर पत्थर देख रहे हैं, तो नीचे भी हम बेड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भी स्टोन पिचिंग कर देते हैं बेड पे, कुछ लेंथ ऑफ अलाइंजमेंट में, है ना, कुछ लेंथ ऑफ अलाइंजमेंट में स्टोन पिचिंग कर देते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि वाटर का फोर्स ज़्यादा है, इरोजन ज़्यादा हो सकता है वहाँ से, है ना। तो उस पर्टिकुलर लोकेशन को आइडेंटिफाई करके स्टोन पिचिंग कर देंगे, तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी डिफाइंड होगा आपका, वो भी चेंज नहीं कर रहा होगा, ठीक है। रिवर ट्रेनिंग वर्क का जो पर्पस है, मेन पर्पस, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मान लो कभी कभी होता है ना, नदी अपना रुख बदल लेता है ना, चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर, मतलब पहले ऐसे फ्लो हो रही थी, अब क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन वगैरह होते 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 रिवर अब ऐसे फ्लो करने लगी, ऐसे फ्लो करने लगी, समझ रहे हो। तो हम रिवर का कोर्स को चेंज होने नहीं देना चाहते, जिस कोर्स में वो फ्लो हो रहा है उसी कोर्स में फ्लो होता रहे। क्यों? ये सब घटनाएं जब होती हैं, लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन भी होती है उसके साथ साथ, है ना। और हम धरती पे, हम इंसान रहते हैं, एंड डिस्ट्रक्शन से अवॉइड करते हैं क्योंकि जान माल की हानि ना हो, इस यही तो हमारा काम है, इसी में तो हम अपना इंजीनियरिंग लगाते हैं, समझ गए। तो ये सारे कुछ कुछ पर्पस हैं। तो आपने हेडिंग दिया है, आई होप कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन फेज आपने रिवर ट्रेनिंग वर्क से रिलेटेड समझ लिया। हेडिंग दिया है, अब लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे जस्ट ए मिनट, लिखेंगे रिवर ट्रेनिंग। लिखिए डेफिनेशन, रिवर ट्रेनिंग इंप्लाइज सर्टेन मेजर, रिवर ट्रेनिंग इंप्लाइज सर्टेन मेजर्स टू बी एडॉप्टेड ऑन ए रिवर टू स्टेबलाइज द रिवर चैनल अलोंग ए सर्टेन अलाइंजमेंट विथ ए सर्टेन क्रॉस सेक्शन। कोई एक सर्टेन अलाइंजमेंट में, जैसा कि मैंने बोला, पूरा का पूरा रिवर को स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पर डेंजर है ना, उस पर्टिकुलर अलाइंजमेंट को चूज करेंगे और उसका क्रॉस सेक्शन को स्टेबलाइज कर देंगे उस लोकेशन पे, है ना। उसके लिए हमको जो भी वर्क करना पड़ेगा, बेड वर्क या फिर स्लोप वर्क, जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, समझ गए। ये क्यों जरूरत पड़ती है, व्हाई दिस आर द रिक्वायरमेंट, व्हाई रिवर ट्रेनिंग वर्क इज रिक्वायर्ड? पहला, प्रिवेंट आउट फ्लैंकिंग ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। आउट फ्लैंकिंग मतलब जो मैंने अभी समझाया, रिवर के ऊपर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर भी होगा, यहाँ पर कहीं पर मान लो यहाँ पर कहीं पर हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो आपने
जैसे डैम वगैरह है, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो आपने अगर इस रिवर को अच्छे से ट्रेन नहीं किया है अकॉर्डिंग टू दैट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा फोर्सेस वगैरह लगे, है ना, किसी केस में, कि वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ढह जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो आउट फ्लैंकिंग का मतलब होता है ढह जाना, तहस नहस हो जाना, है ना। तो रिवर ट्रेनिंग हमको करना होगा उस लोकेशन पे जहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, टू प्रिवेंट व्हाट, आउट फ्लैंकिंग ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। ये वर्ड मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया, ये वर्ड यहाँ पे होना चाहिए, उसका रीज़न है वोकैबुलरी में ये सब चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, अच्छा इम्पैक्ट डालता है, तो ध्यान रखिएगा। आउट फ्लैंकिंग मतलब ढह जाना, तो टू प्रिवेंट आउट फ्लैंकिंग ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमें रिवर ट्रेनिंग वर्क करनी पड़ेगी। या फिर आप इसको कह सकते हो कि एडवांटेज है ये रिवर करने का, ये एडवांटेज भी है कि हम अगर करते हैं तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मेरी सेफ रहेगी, वो ढहेगी नहीं। प्रोटेक्ट रिवर बैंक, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट द रिवर बैंक। थर्ड, प्रोवाइड ए सेफ पैसेज टू पास फ्लड वाटर, है ना, टू पास फ्लड वाटर, ओके। अब ये चीज जो है, ऐसा तो नहीं है कि रिवर पूरा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रिवर, है ना, हर जगह से फ्लड वाटर सेफली पास नहीं कर पाएगा। कुछ लोकेशंस होंगे जहां से सेफली पास कर पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोकेशंस होंगे अलाइनमेंट में जहां से वो पास नहीं कर पाएगा। मान लो क्रॉस सेक्शन बहुत नैरो है, समझ रहे हो, ऐसे कंडीशंस में, तो ऐसे कंडीशंस में डेप्थ ऑफ फ्लो ज्यादा हो कि हो सकता है वो जो पानी है वो सरफेस पे आ जाए। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्रॉस सेक्शन वाइडन करना होगा, स्लोप अच्छे से बनानी होगी, वहां पे बेड को अच्छे से डिजाइन करना होगा। सो ये सब चीजें हैं, तो प्रोवाइड ए सेफ पैसेज टू पास फ्लड वाटर। फोर्थ, कॉन्ट्रैक्ट ए रिवर चैनल टू इम्प्रूव इट्स डेप्थ फॉर इनलैंड नेविगेशन। कॉन्ट्रैक्ट ए रिवर चैनल टू इम्प्रूव इट्स डेप्थ फॉर नेविगेशन। आपको मालूम है मतलब अगर रिवर का विड्थ, अगर क्रॉस सेक्शन साइज हम डिक्रीज करेंगे तो डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा वो इंक्रीज होगा, तो इस पर बोट वगैरह शिप वगैरह अच्छे से नेविगेट कर पाएगी। फिफ्थ, कंट्रोल रिवर बेड कॉन्फिग्रेशन। ऑब्वियसली जो रिवर बेड है ना, इसको भी चेंज होने नहीं देना चाहते किसी एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में, अगर अब्रप्टली वहां पे चेंजेस पॉसिबल हैं तो उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। सिक्स, प्रिवेंट रिवर फ्रॉम चेंजिंग इट्स कोर्स, ठीक है। सो ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी, क्यों, ये सब बातें आपको स्टेटमेंट टाइप में, है ना, या फिर ऐसे पूछ लेगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, या फिर व्हाई वी डू रिवर ट्रेनिंग वर्क, ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, इनमें से दो तीन बातें कोई लिख देगा, ठीक है। इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में, है ना। तो यही सब चीजें होती हैं जो आप पढ़ के नहीं जाते और आपको लगता है अरे बहुत लॉजिकल पूछ लिया। नो, इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स जस्ट दैट कि आपने पढ़ा नहीं था, अभी पढ़ लिए, आप इसको लिख के रख लीजिए। अब जो टॉपिक है अपना, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर। यहाँ पे देखिए मैंने दो तरह के रिवर के नाम आपको दिए हैं, एग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर में देखेंगे तो बहुत तरह के रिवर है, इंटरमिटेंट रिवर, पेरिनियल रिवर, है ना, ड्राई रिवर, अब बहुत तरह के रिवर आप क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे चीज हम कुछ पार्ट हाइड्रोलॉजी में देखते हैं, है ना। यहाँ पे इस रेस्पेक्ट में, इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में जो चीज आपसे पूछा जाएगा वो है ये दो वर्ड, एग्रेडिंग रिवर, डिग्रेडिंग रिवर, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। तो अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, पहले समझना है, मैं आपको पहले समझाता हूँ होता क्या है ये। देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पर कोई एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा कोई एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर थिकनेस भी शो करवा देता हूँ, समझिएगा। मान लीजिए कोई डैम वगैरह है, है ना, कोई एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है। अभी ये उसका अपस्ट्रीम साइड हो गया और ये इसका डाउनस्ट्रीम साइड हो गया, जैसा समझा रहा हूं बस इसी तरह समझना है, ओके, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, अपस्ट्रीम साइड में ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए जो रिवर का बेड का स्लोप मैं लेके चल रहा हूं, रिवर का बेड के स्लोप के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो रिवर का बेड का स्लोप था मान लीजिए माइल्डर, मतलब माइल्ड था, कुछ स्लोप था, ऐसा कुछ स्लोप था, लेकिन ये स्लोप धीरे 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 कम होते गया, ऐसा, मतलब माइल्ड टू माइल्ड तो था ही, कम था ही, उससे और कम हो गया, माइल्डर हो गया। ये अपस्ट्रीम में हो रही है ये सीन, अभी डाउनस्ट्रीम में क्या हो रहा है, स्टीप था, ठीक है, और स्टीप हो गया, स्टीप टू
स्टीपर, समझिएगा ये समझाने का तरीका है, इससे आप एग्रेडिंग और डिग्रेडिंग रिवर के बारे में इजीली समझ सकते हैं। तो देखिए जो अपस्ट्रीम में अगर बात करें, सबसे पहले अपस्ट्रीम में तो रिवर का जो फ्लो था, ठीक है, ये रिवर का ऐसा कुछ है मान लो, तो रिवर का जो फ्लो था जहां पर माइल्ड स्लोप थी वहां पर थोड़ा तेजी से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, तो रिवर के अंदर जो सेडिमेंट थे वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही स्लोप माइल्ड हो गया, माइल्डर हो गया मतलब और कम हो गया स्लोप, तो इसका जो फ्लो वेलोसिटी है ये कम हो जाएगा। सो लेट्स सपोज फ्लो वेलोसिटी इतना कुछ कम हो गया कि इसमें जो पार्टिकल सेडिमेंट था जो सस्पेंडेड फॉर्म में, अब वो धीरे 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 उसका डिपोजिशन हो जाएगा, वो सेटल कर जाएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट का सेटलमेंट होगा बेड पे। इस तरह का जो रिवर का नेचर होता है ना, इसको कहते हैं एग्रेडिंग रिवर, जो कि माइल्ड स्लोप से और माइल्डर स्लोप पे चले जाता है, फ्लो वेलोसिटी वगैरह कम हो जाता है एंड सेडिमेंट को डिपोजिट कर देता है रिवर बेड के ऊपर, समझ गए। इस कारण से क्या हो गया रिवर का, देखिए बेड पे आपका सेडिमेंट डिपोजिट हो गया, तो रिवर के बेड पे जब सेडिमेंट डिपोजिट हो गया तो फ्लो एरिया कम हो गया, समझ रहे कि नहीं, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर पासिंग थ्रू दैट सेक्शन वो कम हो जाएगी, तो बहुत सारे इफेक्ट्स आएंगे। तो इस तरह का कंडीशन आपको एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम साइड पे देखने को मिलता है जनरली, है ना, जब रिजर्वायर वगैरह जहां पे बनती है उस लोकेशन पे, है ना, आपको इस तरह के कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो वो जो कंडीशंस होता है वो होता है एग्रेडिंग ऑफ एग्रेडिंग नेचर का, इसी को हम एग्रेडिंग कहते हैं। अब इसमें ये रिवर में सेडिमेंट कहाँ से आएंगे, देखिए या फिर इसके पानी में कुछ सेडिमेंट होगा, या फिर इससे कनेक्टेड जो ट्राइब्यूटरीज होंगे वहां से कुछ सेडिमेंट ये लेके आ जाएगा, समझ गए। तो ये सब चीजें, डिग्रेडिंग जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्या होता है, जैसे स्टीप से स्टीपर चला गया, तो स्टीप से स्टीपर जब जा रहा है तो जो फ्लो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ये काफी इंक्रीज हो रहा है। जब ये फ्लो वेलोसिटी काफी इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा, यहां से बेड का मटेरियल को रिमूव कर देगा, स्काउरिंग करवा देगा, समझ गए, इट विल रिमूव द बेड मटेरियल, स्काउरिंग होगा। तो अगर ये स्काउरिंग होगा तो ऐसे रिवर को हम कहते हैं डिग्रेडिंग रिवर, और ये जनरली आपका एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम साइड पे देखने को मिलता है, समझे। तो ये डायग्राम आप बना लीजिएगा अपने समझने के लिए, एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चन ये पूछेगा, स्लोप चेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू माइल्डर, मतलब समझिएगा स्लोप पहले ज्यादा था फिर स्लोप कम हो गया, ठीक है, तो एग्रेडिंग नेचर होगा। नेक्स्ट, स्लोप अगर जितना था उससे स्लोप ज्यादा हो गया, स्टीप टू स्टीपर, है ना, मतलब जितना था उससे ज्यादा, फिर जितना था उससे कम, ऐसा जितना था उससे ज्यादा अगर हो गया तो डिग्रेडिंग, जितना था उससे कम अगर हो गया तो एग्रेडिंग। एग्रेडिंग के केस में सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, डिग्रेडिंग के केस में आपको स्काउरिंग देखने को मिलेगा, रिमूवल ऑफ मटेरियल। एग्रेडिंग रिवर जनरली हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अपस्ट्रीम एंड पे आपको देखने को मिलेगी, डिग्रेडिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के डाउनस्ट्रीम एंड पे जनरली देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहां पे मैं लिख देता हूं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ये बातें ध्यान रखिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, एसर्शन रीजनिंग में इधर उधर घुमा फिरा के पूछते हैं और आप ना जानने के कारण बस टिक नहीं लगा के आते, ठीक है, अब जान गए, अब टिक लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डिफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, हो सकता है किसी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाए, ठीक है। लिखिए एग्रेडिंग रिवर के बारे में, रिवर बेड स्लो राइजेस स्लोली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। नेक्स्ट, सेडिमेंट मे कम फ्रॉम ट्राइब्यूटरी इनटू द मेन रिवर। कहां से आएगा सेडिमेंट, ट्राइब्यूटरी से आएगा, जनरली ऑब्जर्व्ड एट अपस्ट्रीम ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। डिग्रेडिंग रिवर, बेड लेवल ऑफ रिवर स्लोली डिक्रीजेस, बेड लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो गया, क्यों, ड्यू टू स्काउरिंग ऑफ बेड, समझ गए। और जो बेड स्लोप है, स्लोप जो होता है बेड का, वो स्टीप टू स्टीपर, मतलब पहले जितना था उससे ज्यादा हो रहा है, ऐसा मतलब माइल्डर टू माइल्ड में कन्वर्ट हो रही है, या फिर स्टीप टू स्टीपर में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा, समझ गए, मतलब बेड लेवल, आप बेड का स्लोप आपको ऐसे से ऐसे होगा,
इस केस में रिवर बेड का स्लोप, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी जिस कारण से स्काउरिंग हो जाएगा इस लोकेशन पे मटेरियल का, तो बेड लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि उस लोकेशन से मटेरियल का रिमूवल हो गया। इमेजिन कर पा रहे हो, सब चीज़ इमेजिनेशन पर है, ठीक है। यही होती है पढ़ाई, मैं आऊँ नाच गाना करूँ उसका कोई मतलब नहीं है, लिपस्टिक लगाऊँ ये मैं बोल रहा हूँ एक चैनल आप जानते हो यूट्यूब पे, है ना। यूजुअली द रिवर पोर्शन डाउन स्ट्रीम ऑफ ए डैम और बैराज बिकम्स डिग्रेडिंग इन नेचर। देखो मजाक नहीं बनाते हम, लेकिन ये लोग ऐसा कांड ही करते हैं कि बोलना पड़ता है। लिख लीजिए इसको। चलिए अब टॉपिक दीजिए, बेड फॉर्म इन रिवर। टॉपिक है बेड फॉर्म्स इन रिवर। ये बेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? अच्छा देखिए मैं एक चीज बताऊं, ये जो टॉप एजुकेटर वाले जो वीडियोस डालते हैं आपको वो डिफिकल्ट अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग कंफ्यूज करते हैं आपको, चीजें बताते नहीं है, वो कंफ्यूज करके रख देते हैं, ना इधर का ना उधर का, बीच में छोड़ दिया क्योंकि उतना उनको उतना ही आता है। हम थोड़ा और एक स्टेप आगे जाएंगे, सिंपल वे में समझते हुए एक स्टेप आगे जाएंगे। पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम ऐसा चाहते हैं कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इजीली यू कैन आंसर इट बाय पुटिंग योर ओन माइंड, अपना दिमाग लगा के आंसर कर पाओ, समझ गए बात को, इसलिए तो पढ़ाई कर रहे हो ना। बेड फॉर्म्स इन रिवर। बेड फॉर्म का मतलब क्या होता है? शेप ऑफ बेड, शेप ऑफ बेड, सोने वाला बेड नहीं, रिवर का बेड। रिवर का बेड मतलब ये बेड जिसके ऊपर फ्लो हो रही है ना, दिस इज योर रिवर बेड। इसका शेप के बारे में बात करना है, ये किस किस तरह के हो सकते हैं ये चीज। तो ये जो थ्योरी है कंप्लीट बेड फॉर्म है ना, इसके ऊपर जो एनालिसिस किया था वो किया था किसने किया था? गार्गी एंड राजू, गार्गी एंड राजू इन ईयर 2000 में इन्होंने बढ़िया एनालिसिस किया एंड इन्होंने बोला डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेड फॉर्म होते हैं, ठीक है हम देखेंगे। टेक्निकली बात किया इन्होंने, ओके तो एक्चुअली होता क्या, ये बेड फॉर्म बनते क्यों हैं? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि ये जो बेड फॉर्म है ये बनते क्यों हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप ऑफ बेड होते क्यों हैं, इसके ऊपर इन्होंने बात किया। किन्होंने? मैं अब जब भी बोलूंगा गार्गी एंड राजू ने बात किया, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका है रिवर, मतलब मान लो कोई रिवर वगैरह आपने देख रखा है, इसके पानी में ऐसा हो सकता है, इसका जो वाटर है इसके वाटर में सिल्ट सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। सिल्ट जो होते हैं छोटे 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 छोटे, ये होता है सस्पेंडेड फॉर्म में, दिस इज योर सस्पेंडेड लोड, इसको हम कहते थे सस्पेंडेड लोड, याद करिए। नाउ ये जो बेड है ये क्रॉस सेक्शन का ये क्या है? दिस इज योर बेड। अब कुछ सिल्ट ऐसे भी होते थे जो इस बेड के करीब करीब धीरे 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 मूव करते रहते थे फ्लो के साथ, है ना, बेड के करीब करीब रहते थे, नियर बाय बेड, क्लोज टू बेड, और फिर इनका ट्रांसपोर्टेशन होते रहता था, मूवमेंट होते रहता था, है ना। तो ये जो सिल्ट यहाँ पे बेड के करीब करीब जो जिसका मूवमेंट होते रहता था, ये हमने सिल्ट थ्योरी में देखा हुआ था, बस आपको याद दिलवा रहा हूँ। इसको हम क्या कहते थे? इसे हम कहते थे बेड लोड, क्योंकि ये बेड के करीब करीब है। तो टोटल सिल्ट लोड इन ए क्रॉस सेक्शन जो आपको देखने को मिलता है, इट इज सम ऑफ सस्पेंडेड लोड प्लस बेड लोड, दिस इज योर टोटल लोड, है ना, टोटल सेडिमेंट लोड, समझिए बात, टोटल सेडिमेंट लोड। अब आए राजू एंड गार्गी, उन्होंने बोला कि आपका डिफरेंट अलग अलग बेड बनेगा, बेड का शेप बनेगा डिपेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ बेड लोड। सस्पेंडेड लोड पे इन्होंने बात नहीं किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट ऑफ बेड लोड के ऊपर इन्होंने मेजर फोकस किया कि इनके कारण ही, है ना, आपको जो है ना आपका डिफरेंट बेड फॉर्म्स बनेगा, अलग अलग बेड के शेप मिलेंगे आपको, वो देखेंगे अभी आपको बताऊंगा कैसा कैसा शेप मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा
ये जो बेड लोड है इसका मूवमेंट के बारे में बताया था, याद करो, इसका मूवमेंट तीन तरीके से हो सकता था, कौन कौन सा? एक था रोलिंग, रोल करता हुआ मूवमेंट हो, समझाया था। एक है हॉपिंग बोला था, ऐसे फुदुक फुदुक के, फुदुक फुदुक के। तीसरा स्लाइडिंग बोला था। तीन तरह का मूवमेंट बोला था, किसका? बेड लोड का, मतलब बेड के करीब करीब जो सेडिमेंट्स हैं, याद है? चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था आपको। तो हम ना आपको साथ साथ थ्योरी भी लिखवाते चलेंगे ताकि आगे हमें बर्डन ना हो। तो लिखिए, हेडिंग तो आपने डाला होगा, पहला पेज में जो लिखा है वो तो लिखा होगा आपने। इसके आगे लिखिए द बेड लोड मूवमेंट, कौन सा लोड का मूवमेंट? बेड लोड का मूवमेंट स्लैश ट्रांसपोर्टेशन गिव्स शेप टू बेड ग्रेजुअली कोमा विच इज कॉल्ड एज बेड फॉर्म्स, जिसको हम बेड फॉर्म कहते हैं। डिपेंडिंग अपन फ्रॉड नंबर, ओपन चैनल फ्लो में पढ़ा है फ्रॉड नंबर FR इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन रूट अंडर GY पढ़ा था। तो डिपेंडिंग ऑन द फ्रॉड नंबर ऑफ फ्लो दीज आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। फ्रॉड नंबर ऑफ फ्लो पर डिपेंड करते हुए इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्लेन बेड फॉर्म विथ नो मोशन ऑफ सेडिमेंट, इसको समझिए, मतलब प्लेन है, सिंपल, यहाँ पे तो कह दिया प्लेन बेड फॉर्म, स्मूथ सरफेस होगा बेड का। देखिए, ये मान लीजिए कोई रिवर है ऐसा, अभी देखो इसमें फ्लोइंग वाटर है ना, दिस इज योर फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। इतना बेसिक और इतना आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, सब कंफ्यूज कर देंगे। तो अच्छे से समझिए एग्जैक्टली होता क्या है चीजों को। यहाँ पे बेड पे सेडिमेंट्स होंगे, तो देखो फ्लोइंग वाटर बेड पे शियर स्ट्रेस लगा रहा होगा, फ्लोइंग वाटर बेड पे शियर स्ट्रेस लगा रहा होगा, जिसको मैं कहता हूं टाउ एक्चुअल। ये जो यहां पे बेड पे जो सेडिमेंट्स हैं, इसका अपना एक शियर स्ट्रेस होगा जो इसको बेड पे रोक के रखा होगा, मेंटेन किया होगा, इसको हम कहते हैं टाउ क्रिटिकल, ठीक है। तो अगर आपका ये कंडीशन वैलिड होगा, इफ टाउ एक्चुअल जो फ्लोइंग वाटर लगा रहा है इज लेस देन इक्वल टू टाउ क्रिटिकल, तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरे को ये बताओ, क्या ये जो बेड पे जो सेडिमेंट है इनकी मूवमेंट होगी? नहीं होगी, सेडिमेंट की कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो अगर हम प्लेन बेड फॉर्म का बात करेंगे तो इसमें किसी भी तरह का सेडिमेंट का मूवमेंट नहीं होता है। इसके लिए जो सपोर्टिंग कंडीशन है वो क्या है, जो फ्लोइंग वाटर सीयर स्ट्रेसेस लगा रही है इट मस्ट बी लेस देन टाउ क्रिटिकल। ये सब चीज हमने कहाँ पढ़ रखा है? सील्स थ्योरी में, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, वहां पे पढ़ रखा है, याद करो, ठीक है। चलिए, ये एक पहली बात हुई। अब प्लेन बेड फॉर्म के केस में वेलोसिटी ऑफ फ्लो बहुत काफी कम रहती है और जो फ्रॉड नंबर की वैल्यू होती है FR इट इज लेस देन वन, इट इज लेस देन वन मीन्स फ्रॉड नंबर लेस देन वन कहने का मतलब है फ्लो इज योर सब क्रिटिकल ओनली, सब क्रिटिकल फ्लो। फ्रॉड नंबर जब वन होता है तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल फ्लो, जब फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन वन हो जाती है उसे हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये सब चीजें फ्लो ओपन चैनल फ्लो में बहुत प्यार से पढ़ा रखा आप सभी को। नाउ जब प्लेन बेड फॉर्म आपका बनता है जिस केस में सेडिमेंट का किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है बेड लोड का, तो द बेड इज, बेड सरफेस जो होगा इट इज स्मूथ, बेड सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। इन सब का फोटो देखना कोई जरूरत नहीं है, अगर देखना चाहते हैं आप गूगल पे मार के समझ सकते हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अब जो है, अब इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं बताऊंगा, सेकेंड टाइप ऑफ बेड फॉर्म जो होता है इसको हम कहते हैं रिपल एंड ड्यून, ड्यून बेड फॉर्म। पूछते हैं एग्जाम में, है ना, एग्जाम में पूछते हैं। तो देखिए, दोनों ही केस में, चाहे वो रिपल और ड्यून, दो अलग अलग बेड फॉर्म्स हैं यहां पे, है ना, दोनों सेम नहीं है। रिपल एंड लिखा हूं ना, तो ये कोई एक है, ये दूसरा है, दोनों अलग अलग बेड फॉर्म है। दोनों ही केस में ऐसा है, यहाँ पे जो कंडीशन वैलिड होगा पहला केस वो ये है कि जो
टाउ एक्चुअल है इट बिकम्स ग्रेटर देन टाउ क्रिटिकल, तभी तो सेडिमेंट का ट्रांसपोर्ट यहां पे होगा, सेडिमेंट या फिर बेड लोड ट्रांसपोर्टेशन इज अकरिंग, बेड लोड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी फ्लो वेलोसिटी कुछ ऐसा है कि फ्रॉड नंबर जो है एफ आर, चाहे वो रिपल टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बने या ड्यून टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म बने, फ्रॉड नंबर इज स्टिल लेस देन वन ओनली, मतलब जो फ्लो है इट इज सब क्रिटिकल ओनली, सब क्रिटिकल ओनली, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस कहां पे जाता है, देखिए रिपल जो है ना इट इज स्मॉलर फॉर्म ऑफ ड्यून, ड्यून का छोटा वर्सन है रिपल, है ना। सो जब फ्रॉड नंबर की वैल्यू कम है, मतलब एट लोअर वैल्यूज ऑफ फ्रॉड नंबर इन द फ्लो, आपका रिपल बनेगा, एंड फ्रॉड नंबर की वैल्यू थोड़ा इंक्रीजिंग होगी अगर, मतलब बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वो किसके ओर बढ़ेगी, यहाँ पे एक से कम है तो एक के तरफ बढ़ेगी, तो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, तो एट इंक्रीजिंग और मोर वैल्यू ऑफ फ्रॉड नंबर जो आपका बेड फॉर्म देखने को मिलेगा वो मिलेगा ड्यून टाइप ऑफ बेड फॉर्म, है ना। तो अल्टीमेटली कहने का ये मतलब है रिपल इज स्मॉलर वर्जन ऑफ ड्यून, है ना, मतलब रिपल जो है छोटा भाई है ड्यून का। अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेड फॉर्म्स का तो वो कैसा दिखेगा, देखिए अगर मैं बनाऊं ए रिपल का, पहला रिपल आपको ये सब साथ साथ लिखते चलना, तो देखिए जो बेड बनेगी ना इसमें थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन वगैरह हो जाएगा मटेरियल का, ऐसा कुछ इस तरह का बेड दिखेगा आपको, समझ रहे हैं, इस तरह का बेड दिखेगा। अभी बेड आपका स्मूथ नहीं है, समझ रहे हैं, इस तरह का छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कहीं पर थोड़ा सा कहीं पर थोड़ा सा डिपोजिशन ऑफ मटेरियल दिखेगी, और ये हो रही होगी फ्लो, दिस इज योर फ्लो, ये है रिपल। इस केस में फ्रॉड नंबर इज लेस देन वन, एंड लेस कहने का मतलब है स्मॉलर फ्रॉड नंबर है, फ्रॉड नंबर छोटा है, मतलब समथिंग आप कह लो कि 0.25 0.3 ऐसा है फ्रॉड नंबर का वैल्यू। लेकिन अगर मैं बोलूं ड्यून फॉर्मेशन, तो ड्यून फॉर्मेशन के केस में फ्रॉड नंबर लेस देन वन है, लेकिन हायर फ्रॉड नंबर 0.6 0.7 ऐसा, समझ गए। तो एट लोअर फ्रॉड नंबर आपको रिपल बनेगा, तो यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही सब पूछे जाते हैं, रिपल फॉर्मेशन एट लोअर फ्रॉड नंबर, एट लोअर फ्रॉड नंबर ये क्या बनेगी आपको, रिपल बनेगी। लेकिन फ्रॉड नंबर की वैल्यू जैसे इंक्रीज होगा, बट स्टिल इट इज लेस देन वन, वन से ज्यादा नहीं हो रहा है, अभी भी वन से कम है, तो आपको ड्यून फॉर्मेशन दिखेगा। ड्यून ये कैसा होता है, रिपल का बड़ा वर्जन है ना, रिपल का बड़ा वर्जन। तो अरे ड्यून रेगिस्तान में नहीं देखे हो, टीले कैसे कैसे जमा हो जाते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना। तो इस तरह का बेड, रिवर का बेड आपको देखने को मिलेगा ऐसा, उसमें इस तरह से मटेरियल का डिपोजिशन, कहीं पे डिपोजिशन ज्यादा बड़ा बड़ा टीला नीचे बेड पे आपको देखने को मिलेगा, है ना, और यहाँ पे फ्लो हो रही होगी ऊपर, दिस इज योर ड्यून, ड्यून्स ये, ठीक है, मतलब हायर फ्रॉड नंबर पे ये देखने को मिलेगा, हायर फ्रॉड नंबर बट इट इज द फ्रॉड नंबर वैल्यू इज स्टिल लेस देन वन ओनली, मतलब फ्लो अभी भी सब क्रिटिकल है लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ा अधिक है, समझ गए। सो रिपल इज स्मॉलर वर्जन ऑफ ड्यून, हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं, रिपल अकर एट लोअर फ्रॉड नंबर वैल्यूज, बट ड्यून फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट सम हायर फ्रॉड नंबर वैल्यूज, समझ गए। इतनी सी बात आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और मैं आपको बता दूं, जो नेचुरली फ्लोइंग रिवर है उसमें आपको रिपल या ड्यून्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ओके, आपको सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ तीसरा केस बात करते हैं, थर्ड टाइप ऑफ बेड फॉर्म, जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। अब देखो ट्रांजिशन बेड फॉर्म, अभी सोचना, अभी तक फ्रॉड नंबर के टर्म्स में सोचना, अभी तक मैं बोला हूं क्या फ्रॉड नंबर इज लेस देन वन, तो ट्रांजिशन स्टेट के केस में आएगा जब फ्रॉड नंबर विल बी नियरली इक्वल टू वन,
मतलब ये 1 के करीब करीब रहेगा, समझ गए। इस केस में क्रिटिकल फ्लो कंडीशन ये अचीव कर रहा होगा, मतलब अभी भी 1 से ज्यादा नहीं हुई होगी, 1 के करीब करीब होगी, है ना। ट्रांजिशन बेड फॉर्म, इसमें भी मैं साफ लिख देता हूँ सबसे पहले, इफ फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1, बट फ्रॉड नंबर इज अप्रोचिंग टू 1, हम ये कह सकते हैं फ्रॉम लोअर साइड ये अप्रोच कर रहा है, मतलब फ्लो अभी भी सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल अभी भी है, क्रिटिकल कंडीशन वो नहीं पहुंचा है, लेकिन वो क्रिटिकल के करीब करीब वाले कंडीशन पर है, एज्यूम करना, इमेजिन करना, ठीक है। इस तरह का जब कंडीशन होगा तो हम कहेंगे जो बेड फॉर्म है वो ट्रांजिशन स्टेट में होता है, और इस केस में भी जो आपका टाउ एक्चुअल है, ठीक है, जो आपका टाउ एक्चुअल इट विल बी ग्रेटर देन टाउ क्रिटिकल, इस केस में भी, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिशन बेड फॉर्म के केस में क्या होता है, जो रिपल या फिर ड्यून बनता है ये वाशअप हो जाता है, मतलब ये धुल जाता है, इसको मतलब फ्लो वेलोसिटी अब इंक्रीज हो रही है ना, सोचो फ्रॉड नंबर इंक्रीज हो रही है, मतलब फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो जो रिपल या ड्यून बने थे ये वाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और मतलब जो रिपल वगैरह ड्यून वगैरह ऐसा ऐसा बना था, ठीक है, ये वाश हो जाएगा और बेड जो है आपका वो रिलेटिवली फ्लैट हो जाएगी, समझ गए। सो ये आपका सेकेंड कंडीशन इसमें आपको देखने को मिलता है कि रिपल एंड ड्यून्स गेट वाश्ड अवे एंड दी बेड इज रिलेटिवली फ्लैट, समझ गए। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। फ्रॉड नंबर अभी भी कम है, बट इट इज टेंडिंग टू अप्रोचिंग टू 1, समझ गए। दिस इज नाउ फोर्थ टाइप ऑफ बेड फॉर्म, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो यहां पे लिखवा रहा हूं। फोर्थ टाइप ऑफ बेड फॉर्म जो आपको देखने को मिलता है, इट इज एंटी ड्यून्स। एज नेम सजेस्ट, एंटी मतलब अपोजिट ऑफ ड्यून। इस केस में होता क्या है, जो फ्रॉड नंबर है इट बिकम्स हायर देन 1, ग्रेटर देन 1, एकदम क्लियर कट अप। फ्लो इज योर सुपर क्रिटिकल फ्लो यहां पे हो रही होगी। इट इज नथिंग बट इट इज रिवर्स ऑफ ड्यून बेड फॉर्म, जो ड्यून बेड फॉर्म है उसका जस्ट उल्टा है ये एंटी ड्यून बेड फॉर्म। अब ये कैसे देखने को मिलेगा, देखिए मैं अगर कंपैरिजन करके बताऊं, सबसे पहले तो मैं ड्यून बनाता हूँ, जो मैंने आपको ड्यून बना के दिखाया था कुछ इस तरह का ड्यून्स बना के मैंने दिखाया था, इस तरह का कुछ बेड फॉर्म हो जाएगा, है ना, इस तरह से कुछ था ड्यून्स, मतलब इसके ऊपर से ऐसे फ्लो हो रही होगी, ये कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, इस तरह से कुछ फ्लो हो रही होगी, ठीक है, दिस इज योर फ्लो एंड दिस आर द ड्यून्स जो आपके रिवर बेड पे मिले। पहला एंटी ड्यून, जैसे कि मैंने आपको बोला इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ड्यून बेड फॉर्म, तो रिवर्स मतलब कैसा आप देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ, सोचो ऐसा कुछ, मतलब ड्यून का जस्ट अपोजिट, मतलब यहां पे जो सेडिमेंट का डिपोजिशन है फ्लो के रिवर्स डायरेक्शन में, इसमें देखो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपका सेडिमेंट यहाँ पे आया, डिपॉजिट हो गया, मीन्स सेडिमेंट डिपोजिशन इज अकरिंग इन डाउनस्ट्रीम ऑफ द फ्लो, आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन एंटी ड्यून के केस में ये फ्लो है, देखिए दिस इज योर फ्लो, सेडिमेंट इस तरफ डिपॉजिट हो रहा है, दिस इज योर फ्लो, सेडिमेंट इधर डिपॉजिट हो रहा है, यही कह सकते हैं, मीन्स सेडिमेंट डिपोजिशन इज अकरिंग इन अपस्ट्रीम ऑफ द फ्लो, ये भी स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे गए, सेडिमेंट डिपोजिशन इज अकरिंग इन अपस्ट्रीम ऑफ द फ्लो, तो इसको हम कहेंगे एंटी ड्यून्स,
इसको क्या कहेंगे, एंटीड्यूस। सुपर क्रिटिकल कंडीशन में ये फ्लो हो रही है, वेरी हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज अकरिंग हियर। अब अगर नेचुरली स्पीकिंग, ठीक है यहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं, नेचुरली स्पीकिंग मतलब रियलिटी में ये बनता है कि नहीं बनता, एंटीड्यून वाले कंडीशन को लेबोरेटरी में स्टिमुलेट करके, लैब में तो आप बना सकते हो इस तरह का फ्लो कंडीशन को मेंटेन करके, लेकिन नेचुरली किसी भी रिवर या है ना कैनाल में, अनलाइंड कैनाल वगैरह में इस तरह का बेड फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो एंटीड्यून्स, एंटीड्यून फॉर्मेशन फॉर्मेशन जनरली डू नॉट अकर इन नेचर, जनरली डू नॉट अकर इन नेचर, लेबोरेटरी में किया जा सकता है जो गार्गी एंड राजू ने किया था, लेकिन नेचुरली ये नहीं होता है आपका जनरली, ये चीज बताया था उन्होंने। तो एंटीड्यून फॉर्मेशन जनरली डू नॉट अकर इन नेचर। तो नेचुरली स्पीकिंग अगर रिवर में आप बात करोगे किस तरह का बेड फॉर्म हो सकता है, कहां तक हो सकता है, रिपल हो सकता है ना, फिर आपका कौन सा हो सकता है, ड्यून्स हो सकता है, फिर ट्रांजिशन फेज में हो सकता है, लेकिन एंटी ड्यून ये नेचुरली अनसपोर्टेड हो जाता है, ये जनरली होती नहीं है। अब देखिए ना यहाँ पे सेडिमेंट का डिपोजिशन जो हो रहा है, जो एंटी ड्यून फॉर्मेशन हो रही है, फ्लो के अपोजिट में हो रही है, मीन्स फ्लो का ये डायरेक्शन है, तो अपस्ट्रीम ऑफ द फ्लो में सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है, जो कि नेचुरली उतना फिजिबल नहीं लग रहा। लेकिन ड्यून वाले केस में देखिए, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, फ्लो के डाउनस्ट्रीम में ही सेडिमेंट का डिपोजिशन हो रहा है। सेडिमेंट आपका सोचो ये फ्लो है, तो इसमें सेडिमेंट है, तो आया आया धीरे 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 यहाँ पे जाके कहीं बैठ गया, फिर सेडिमेंट यहाँ आगे जाके कहीं बैठ गया, फिर यहाँ बैठ गया, फिर यहाँ बैठ गया, ऐसा। लेकिन एंटी ड्यून के केस में सेडिमेंट का जो सेटिंग है, ये डायरेक्शन अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, सेडिमेंट का सेटिंग रिवर्स में हमको देखने को मिल रहा है ना, सेडिमेंट का सेटिंग जो है रिवर्स में देखने को मिल रहा है बेड के ऊपर, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ओके, नेचुरली थोड़ा ये सपोर्टेड नहीं है, ये डायग्राम्स को बना लीजिए। सो दीज आर दी बेड फॉर्म्स, समझ में आया। अपना जो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। अच्छा, ये वर्क का मतलब क्या होता है, मतलब रिवर ट्रेन करने में जो हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे, ये चीज होती है वर्क्स। तो किस किस तरह के कंस्ट्रक्शंस को हम करते हैं, यही चीज हम देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे, हाई वाटर ट्रेनिंग, ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं, हाई वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग, मीन वाटर ट्रेनिंग, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेवल से आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे अच्छे से। तो इसमें से सबसे पहला है हाई वाटर ट्रेनिंग। व्हाट इज दिस, ये क्या होती है हाई वाटर ट्रेनिंग, व्हाट इज दिस हाई वाटर ट्रेनिंग। लुक, हाई वाटर ट्रेनिंग का मतलब होता है, एक सीधा लाइन में अगर हम बात करें, ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इट इज नथिंग बट इट इज ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज। ये इंपॉर्टेंट है, दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर आस्क्ड इन मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अगर कोई रिवर में हम ऐसे कंस्ट्रक्शंस करते हैं, हम कोई ऐसे कंस्ट्रक्शंस करते हैं जो कि उस रिवर का डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करवाए, है ना। मान लो फ्लड वगैरह आता है तो वो फ्लड को पास करवा पाए, क्योंकि हम डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करवा पा रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स उस मैक्सिमम डिस्चार्ज के कारण, हाई डिस्चार्जेस के कारण रिवर में अगर फेलियर वगैरह हो जाए, है ना, तो उससे प्रोटेक्शन आपको अवेलेबल हो पाए। तो इससे रिलेटेड जो भी हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ठीक है, इसे हम हाई वाटर ट्रेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे पढ़िए, इट इज अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द एफिशिएंट। क्यों इसको किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस, द पर्पस इज टू प्रोवाइड एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ द मैक्सिमम फ्लड। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनाए कि रिवर में अगर मान लो ज्यादा पानी आ गया, उसको डिस्पोज किया जा सके, मैक्सिमम फ्लड को वो कैरी कर पाए, एंड देयर बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू फ्लड। अगर हम मैक्सिमम फ्लड को पास करवा पा रहे हैं, इसका मतलब अल्टरनेटिवली हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने रिवर को प्रोटेक्ट करवा पा रहे हैं अगेंस्ट दी
डैमेज जो कि उस फ्लड के कारण हो सकता था। सो याद रखने वाली बात क्या है, हाई डिस्चार्ज पास करवाने के लिए जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इट इज हाई वाटर ट्रेनिंग। ये हाई वाटर ट्रेनिंग के अंदर आती है, आरटी वर्क के अंदर हाई वाटर ट्रेनिंग के लिए आती है। दिस इज ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज, ठीक है, लिख ली। लो वाटर ट्रेनिंग, अच्छा हाई वाटर ट्रेनिंग का अगर एग्जांपल मैं बताऊं किस तरह का स्ट्रक्चर हाई वाटर ट्रेनिंग के अंदर आता है, देखिए डैम वगैरह आ जाता है जिसमें रिजर्वायर बनती है, देखिए एक्स्ट्रा फ्लड वो रिजर्वायर में स्टोर होता है, फिर उसको एस्केप करवाने के लिए हम ट्रेन करते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है डैम वगैरह वियर बराज ये हाई वाटर ट्रेनिंग के अंदर में आ जाती है। लो वाटर ट्रेनिंग ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज ट्रेनिंग फॉर डेप्थ। होता क्या, देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि सभी नदी में भरपूर पानी है तो डेप्थ ऑफ फ्लो हो सकता है कम हो, या फिर लो वाटर सीजन के टाइम पे समर सीजन के टाइम पे जब नदी सूख गया तो डेप्थ ऑफ फ्लो कम है, तो ऐसे कंडीशंस में यू कांट यूज दैट पर्टिकुलर रिवर फॉर योर व्हाट नेविगेशन पर्पस। सो अगर आपको डेप्थ ऑफ फ्लो इन रिवर इंक्रीज करवानी है तो बेसिकली हमें क्या करनी होगी, रिवर को कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी, सांकड़ा बनाना होगा, नैरो बनाना होगा, है ना। तो वो करने के लिए जो हम स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन करते हैं वहां पे दैट कंस्ट्रक्शन कम्स अंडर योर लो वाटर ट्रेनिंग, जिस कारण से डेप्थ ऑफ फ्लो इन द रिवर इंक्रीज होती है, जिसके तहत है ना यू कैन यूज दैट रिवर इन अंडर लो वाटर सीजन फॉर नेविगेशन पर्पस। पढ़िए यहाँ पे, इट इज अंडरटेकन विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सफिशियंट डेप्थ फॉर नेविगेशन ड्यूरिंग द लो वाटर सीजन। इट इज नॉट नेसेसरी ना कि सभी रिवर में आपका फ्लो सालों भर हो रहा है बढ़िया से, कुछ होंगे जो पेरिनियल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो इट इज यूजुअली कंसर्न विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विड्थ, इसमें हम नैरो बनाते हैं रिवर को, विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिस कारण से डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी बढ़ जाए उस पर्टिकुलर सेक्शन पे, उस पर्टिकुलर अलाइंजमेंट में जहां पर डेप्थ ऑफ फ्लो आपको कम देखने को मिलता है, ओके, सच दैट वी कैन यूज इट फॉर नेविगेशन पर्पस, ओके। नेक्स्ट मीन वाटर ट्रेनिंग, देखिए हाई लो आपने देखा, मीन वाटर ट्रेनिंग होता है ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट, इट इज योर ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट। व्हाट डज इट मींस, देखो भाई रिवर वगैरह में क्या आता है, सेडिमेंट वगैरह रहती है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी डिस्चार्ज रिवर में आ रहा है ना वो सारा का सारा निकल जाए वो रिवर से, उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू से, उस पर्टिकुलर अलाइंजमेंट से, और वहां पे ना सिल्टिंग हो ना स्काउरिंग हो, मतलब ऐसा कहाँ पे करेंगे। मान लो रिवर का तो अलाइनमेंट मैंने बोला बहुत लंबा लंबा रिवर होता है, तो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेच में आपने देखा है ना, आपने ऑब्जर्व किया जाके और देखा कि अरे यहाँ तो सिल्टिंग हो जा रही है, ठीक है, और कोई दूसरा स्ट्रेच में देखा अरे यहाँ से तो स्काउरिंग भी हो रही है, समझ रहे हो। तो ना ही आपका सिल्टिंग हो ना ही स्काउरिंग हो, मतलब सेडिमेंट किसी भी तरह का वो ट्रांसपोर्ट वगैरह ना करे, जहां पर जो है वैसा नेचुरली वो बेड उसका बना रहे। इस चीज को मेंटेन करने के लिए जो हम कंस्ट्रक्शंस करेंगे रिवर को जो हम तैयार करेंगे है ना, इसे कहा जाता है मीन वाटर ट्रेनिंग। तो ये किसी किसी स्ट्रेच में होता है, हर एक तरह का ट्रेनिंग किसी किसी स्ट्रेच में होता है ना। सो पढ़िए इसको, इट इज अंडरटेकन टू प्रोवाइड इफिशियंट डिस्पोजल ऑफ बेड एंड सस्पेंडेड सेडिमेंट and thereby protecting the river channel in designed shape। मतलब जो भी उसका cross section है वो cross section as it is बना रहे, ठीक है, अगर किसी section में scouring या silting हो रहा है तो वो scouring silting वगैरह ना हो, वो cross section as it is बना रहे, इसलिए जो हम training करेंगे इसे ही हम कहते हैं mean water training and this is for sediment। ओके, कि सेडिमेंट आपका ट्रांसपोर्ट ना करे, समझ गए बात को, वेरी गुड।